हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं हूं शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्रेंच ब्रेड की वीडियो शेयर कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं फ्रेंच ब्रेड बना रही हूं अपने बेटे राजवीर के। उसे मैंने हेयर वॉश करवाया था, आप देख सकते हैं उसके बाल कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंच ब्रेड की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसका मैंने हेयर वॉश करवाया था, बाल अच्छी तरह से सूख चुके हैं। बालों पर अभी मैंने कोई भी ऑयलिंग वगैरह नहीं की है। थोड़ा सा मैं सीरम उसके बालों में लगा रही हूँ ताकि बालों में एक हल्की सी शाइन आ जाए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हेयर हैं तो फ्रेंच ब्रेड करने में उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो, उसके बाल टूटे ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ बालों में। सीरम से जो टैंगल्स हैं वो भी इजीली रिमूव हो जाते हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। तो अब मैं उसके फ्रेंच ब्रेड बनाने लगी हूँ। काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंच ब्रेड हेयर स्टाइल, गर्ली हेयर स्टाइल है, गर्ल्स के किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। सिंपल हेयर स्टाइल है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मुझे फ्रेंच ब्रेड हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहे तो फ्रेंच ब्रेड करके परांदा भी वेयर कर सकते हैं, मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे परांदाज मिल जाते हैं, वो भी हम वेयर कर सकते हैं। बड़े बड़े बड़ा अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल किया हुआ, और काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसे करना। मैंने इसके पहले भी आपके साथ फ्रेंच ब्रेड की वीडियो शेयर की हुई है। राजवीर के आप बाल देख सकते हैं, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिल्की बाल हैं, ज़्यादा हैवी हेयर नहीं है उसके। जशन के ऑपोजिट इसके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हैं, जशन के काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। तो जशन के बालों में फ्रेंच ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। राजवीर के बालों पर ईजिली फ्रेंच ब्रेड बन जाती है। अब जो मैं आपके साथ हेयर से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ उसमें मैंने थोड़ा व्यू चेंज किया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्यू अच्छा लगा है। बाल बड़े अच्छे क्लियर नज़र आते हैं, क्लैरिटी अच्छी आ जाती है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम फ्रेंच ब्रेड बना सकते हैं। दोनों साइड से हमें थोड़े थोड़े बाल लेने हैं बस, और ब्रेड बनाते जाना है। आप चाहे तो सेंटर पार्टीशन करके बालों का फिर भी फ्रेंच ब्रेड बना सकते हैं, दो ब्रेड्स बना सकते हैं उसके साथ, वो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। तो आज मैं फ्रेंच ब्रेड बनाने के बाद ब्रेड को डेकोरेट करूँगी फ्लावर के साथ, और फ्लावर मैंने बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर यूज़ किए हैं जो हमारे घर पर ही लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यही फ्रेश फ्लावर्स मैं फ्लावर्स का मैं यूज़ करूँगी। तो ब्रेड आज मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, मतलब थोड़ी सी ही मैंने ब्रेड बनाई है, बाकी के बाल मैंने ऐसे ही ओपन छोड़ दिए हैं, रबड़ बैंड मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो अगर हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो थोड़ी लंबी ब्रेड भी बना सकते हैं। ये मैंने पिंक कलर का रबड़ बैंड डाला है। तो देखिए कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन ब्रेड बनी है, कितनी अच्छी लग रही है ब्रेड ये वाली। ये देखिए आप बिल्कुल क्लोज से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। अगर हम बालों में थोड़ा सा सीरम लगा लेते हैं तो जो हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनता है। तो अब मैं फ्रेश फ्लावर यूज़ करने लगी हूँ। ये देखिए, ये हमारे घर पर ही लगे हुए हैं फ्लावर्स।
तो आज की वीडियो में मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे रबड़ बैंड्स वगैरह क्लिप्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्लावर्स वाले काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि घर पर वो ऐसे हेयर स्टाइल करके रख सकता है, तो नहीं फ्रेंड्स, जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ उसके बाद उसी टाइम उसकी ब्रेड को ओपन करती हूँ और उसी टाइम उसका जूड़ा कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए भी वो ब्रेड बनाकर नहीं रखता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने फ्लावर्स को लगाया है। आप चाहें तो हाई बन हेयर स्टाइल कर सकते हैं और फ्रेश फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। गर्ली हेयर स्टाइल है, बहुत अच्छा लगेगा किया हुआ। तो देखिए, सारी ब्रेड पर मैंने फ्लावर्स को लगा दिया है। तो बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा अलग सा लग रहा था, तो मैंने बाद में सारी ब्रेड पर अच्छी तरह से फ्लावर से कवर कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हेयर स्टाइल की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हो सके तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।